इसी वक्त आपको ले जाऊंगा। गोरख धंधा सुधारिए। नहीं नहीं, इसमें मेरे पास आया हुआ है। कौन सा विषय किया आपने? स्टैटिस्टिक्स किया आपने? तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा 25 जून से शुरू होने जा रही है। परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं परीक्षा की तैयारी को लेकर सिल्क टीवी की टीम ने कई कॉलेजों के व्यवस्था की पड़ताल की। पड़ताल के क्रम में कुछ कॉलेजों की व्यवस्था सही दिखी तो वहीं भागलपुर के महादेव सिंह कॉलेज में एडमिट कार्ड देने के नाम पर छात्र छात्राओं से अवैध वसूली की जा रही थी। एडमिशन पहले लेने आते हैं तो फॉर्म का दाम रहता है 250 तो 300 रुपया लेता है, 30 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। एडमिट कार्ड लीजिए तो 30% दीजिए। एडमिट कार्ड लेने आते हैं तो यही जो 30 रुपये करके लेता है पर साल, कुछ न कुछ बढ़ते जाता है। जैसे इससे पहले 20 रुपये लिया जाता था, अपनी बात 30 रुपये लेते लिया जा रहा है। पैसा लेता है 30 रुपया, नहीं देता है तो एडमिट कार्ड नहीं देता है। देखिए, कोई भी काम हो कॉलेज में सभी चीज़ में पैसा लगता है। जैसे एडमिशन कराना हो, अगर एडमिशन कराने में अगर कॉलेज का चार्ज रसीद काट करके 1200 रुपये का दे रहा है तो कॉलेज 1300 रुपया लेती है। अब वो एक 1265 रुपया रसीद का लगता है तो उसमें जो है कम से कम 1350 रुपया कॉलेज लेती है। आज भी जो है एडमिट कार्ड के नाम पर जो है 30 रुपया अवैध वसूली किया जा रहा था। दरअसल TMBU के सभी कॉलेजों में स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा मंगलवार से शुरू होगी। परीक्षा कदाचार मुक्त हो इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमर तो कस ली, लेकिन सोमवार को TMBU से संबद्ध महादेव सिंह कॉलेज के कुछ कर्मचारियों ने प्रवेश पत्र देने के नाम पर छात्रों से रुपये वसूली करते दिखे। कर्मचारियों की भ्रष्ट करतूत जब सिल्क टीवी की टीम के कैमरे में कैद हो गई तो कॉलेज प्रशासन ने थोड़ी देर के लिए एडमिट कार्ड ही बांटना बंद कर दिया। साथ ही महादेव सिंह कॉलेज के वर्सर डॉक्टर विभू कुमार राय ने वीडियो को ही झुठला दिया और कहा कि चाय पानी के लिए छात्र खुशी से पैसे दे देते हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। डॉक्टर विभू कुमार ने कैमरे पर क्या कुछ कहा जरा आप यह भी सुन लें। कोई पैसा नहीं ले रहा है कहीं भी, ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड तो लड़के जब क्या कहते हैं फॉर्म भरे हैं विश्वविद्यालय से निर्गत हुआ है उनको क्या कहते हैं दिया जाएगा। भीड़ है, अभी इंटर का एडमिशन चल रहा है, पार्ट वन में एडमिशन लेने के लिए क्या कहते हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं, विश्वविद्यालय से भी कोई उसका नोटिस नहीं आया है। इंटरमीडिएट सेकेंड लिस्ट का आज लास्ट डेट है, प्रैक्टिकल की परीक्षाएँ 26 तारीख से हो रही है उसका है। कल यहाँ पर विश्वविद्यालय का पार्ट 2 का बहुत हेवी एग्जामिनेशन है, लेकिन पार्ट 3 में सर एडमिट कार्ड देने में ऐसा नहीं है। ऐसा पैसा कुछ ही से नहीं लिया गया होगा। अगर कोई ऐसा प्रमाण आता है तो हम लोग देंगे, देख लेंगे उसको। उस विद्यार्थी का अगर किसी ने नाजायज लिया होगा तो उसको हम लोग वापस करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई चाय पान के लिए अगर किसी ने अगर खुशी से दिया हो तो मैं नहीं कर सकता। अब तक आपने छात्रों का बयान देखा और कर्मचारी से लेकर कॉलेज के अधिकारी तक की अवैध वसूली में संलिप्तता देखी। हालांकि जब छात्रों से एडमिट कार्ड के नाम पर पैसे की उगाही की जा रही थी तब कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KD प्रभात मौजूद नहीं थे। इधर अवैध वसूली का मामला सामने आते ही विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद ने फोन पर प्राचार्य से मामले की जानकारी ली और दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई करने की बात कही। जहाँ तक कार्रवाई करने का प्रश्न है, मैंने अभी तुरंत टेलीफोन से बात किया है प्रभात कुमार से और उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे, यदि वो एक्शन नहीं लेते हैं तो उन्हीं पर एक्शन लेंगे और जो संबंधित बर्सर था जो वीडियो में जिसका फोटो आया है उसको लिख देंगे गवर्निंग बॉडी को और कि सस्पेंड कर दीजिए इनको। और चूंकि ये परीक्षा का मामला है इसीलिए हम लोग विश्वविद्यालय भी कर सकते हैं सस्पेंड। महादेव सिंह कॉलेज में छात्रों से हो रही अवैध वसूली को लेकर कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने कहा कि पूरे मामले को गवर्निंग बॉडी में रखा जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले की जानकारी जैसे ही रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह के संज्ञान में आया वैसे ही रजिस्ट्रार के तेवर तल्ख हो गए और रजिस्ट्रार ने फौरन कॉलेज का औचक निरीक्षण किया
निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह को कुछ कर्मचारी मामले को लेकर टालमटोल करने लगे, लेकिन जब रजिस्ट्रार ने सख्त तेवर दिखाई तो सबके पसीने छूट गए। रजिस्ट्रार ने साक्ष्य के आधार पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। मेरे मुझे शिकायत आई थी कि एडमिशन में ये एडमिट कार्ड देने में उगाही कर रहे हैं, पैसा मुझे शिकायत आई है और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आया है, तो मैं सडन चेक करने के लिए आ गया हूँ। और अगर साक्ष्य भी हैं और जो भी आदमी हैं पैसा ले रहे हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर डीएफिलिएशन की बात आई है तो डीएफिलिएट भी किया जाएगा। किसी को दिमाग में कोई शक और डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे कॉलेज के हो चाहे कोई भी हो। कौन इसमें दोषी है? अभी बताएंगे कौन दोषी है। मेरे पास है, उसकी तहकीकात करेंगे और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, पुख्ता सबूत भी इस तरह से है, वो देखेंगे बाद में बताया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्रों के शोषण करने वालों पर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। सिल्क टीवी से सैयद इनामुद्दीन की रिपोर्ट।